हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर। आज हम पढ़ेंगे इको स्कोप। तो इको स्कोप में पढ़ेंगे हम वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो भी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं उनको हम किस तरीके से मैनेज करते हैं जिससे इन्वायरमेंट पे कोई बुरा असर ना पड़े। तो सबसे पहला है व्हाट इज़ वेस्ट। वेस्ट क्या होता है? वेस्ट आर आइटम्स वी इंडिविजुअल्स, ऑफिस, स्कूल्स, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल्स डोंट नीड टू एंड डिस्कार्ड। वेस्ट कम फ्रॉम डिफरेंट शेप एंड साइज, कम बी स्मॉल एज टूथब्रश, एज बॉडी, एज स्कूल ओल्ड बस। देखिए इसका मतलब क्या है कि वेस्ट हमको कहाँ कहाँ से मिलता है? घर से मिलता है, इंडिविजुअल ऑफिस से मिलता है, ठीक है ना, इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकलते हैं। तो हमें इन्हें कभी डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेस्ट जो है उनका प्रॉपर मैनेजमेंट हो, उनका रिसाइकिल हो, ठीक है, जिससे वो इन्वायरमेंट में कोई मतलब गलत इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, तो देखिए अब जो आपका वेस्ट है वो आपके टूथब्रश से छोटा हो सकता है, और साथ ही साथ आपकी स्कूल जितना बड़ा जो बस है वो भी एक वेस्ट हो सकता है। देखिए वेस्ट दो तरीके के होते हैं, एक वेस्ट होता है बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, अब देखिए बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर द वेस्ट दैट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल दैट मिक्स वेल विद द सॉयल एंड एनरिच इट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसा वेस्ट होता है जो प्लांट और एनिमल से हमें मिलता है, साथ ही साथ ये मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता है और साथ ही साथ मिट्टी की फर्टिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसे वेस्ट होते हैं जो प्लांट और एनिमल से तो हमें नहीं मिलते हैं, साथ ही साथ ही सॉइल के साथ मिक्स भी नहीं होते हैं, और कई सालों तक ऐसे ही वो पड़े रहते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे देखिए बायोडिग्रेड जैसे फूड वेस्ट है, तो फूड वेस्ट आप कभी भी ऐसे फेंक देंगे कुछ भी जगह पे तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है इन्वायरमेंट के साथ। फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उनके जो छिलके होते हैं आप देखते हैं कुछ टाइम के बाद वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि वो क्या, वो मिट्टी में मिल गए। ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना मिट्टी में मिला दूंगा, ठीक है, तो मिट्टी में मिला देते हैं ये बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लावर ट्रिमिंग, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट आर सेवेज एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल। तो देखिए फ्लावर की जो पत्तियाँ होती हैं, एनिमल्स, ह्यूमन के जो वेस्ट होते हैं, सीवेज, ये सब क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, ये मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन अब आते हैं नॉन, जैसे प्लास्टिक की बॉटल हो गई, ये कई साल तक, 200 300 साल तक ऐसे रहती है, हज़ारों साल तक कभी कभी ऐसे रहती है। प्लास्टिक बैग्स हो गए, एल्युमिनियम की जो कैंस हो गई, मेटल स्क्रैप्स हो गए, ये भी हज़ारों साल तक ऐसे ही रहते हैं। फिर रबर के टायर हो गए, ग्लासेस हो गए, सीडी डीवीडी हो गई, केबल वायर हो गया, एग्जांपल ये सब किसके हैं, बायोडिग्रेडेबल के। ठीक है, चलिए अब वाई वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट को हमें क्यों अच्छा करना है ये हमें बताना है। तो लिखें इमेजिन वी थ्रो गार्बेज। देखिए मान लीजिए हमने कचरे को गार्बेज कूड़ेदान में फेंक दिया। जंक एंड रबिश अवे फ्रॉम द डंप, रबिश इन द लैंड फिल और रिवर नियर बाई, वॉट डू यू थिंक वॉट विल हैपन ए डिजास्टर। सिंस द वेस्ट इज डिफरेंट शेप एंड साइज क्वालिटी, बायोडिग्रेड नॉट बायोडिग्रेड, देयर फॉर द इम्पॉर्टेंट टू मैनेज वेस्ट वाइजली। देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपने कचरा फेंक दिया, ठीक है, अब आपने कुछ कचरा फेंक दिया तो उससे हो सकता है कि जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल का कचरा है, ठीक है, अब हॉस्पिटल में तो लोग इतने बीमार होते हैं, उनकी पट्टी, कई तरीके की ब्लड सैंपल्स, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, मान लीजिए उस पर मक्खियाँ बैठ रही हैं या फिर वो इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड होने से क्या होता है कि जहाँ पे रहता है वहाँ से आने जाने वाले लोग, आसपास के लोग, उस पर क्या होगा, उन लोगों को बीमारियाँ फैलेंगी। ठीक है, तो इसी वजह से वेस्ट मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। जैसे वेस्ट यहाँ पे क्या है, सेग्रेशन, ठीक है, तो वेस्ट सेग्रेशन का मतलब क्या होता है, वेस्ट सेग्रेशन बेसिकली मीन कीपिंग वेट एंड ड्राई वेस्ट सेपरेटली। देखिए जैसे दो तरीके के कचरे होते हैं, एक सूखा कचरा होता है, एक गीला कचरा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इनको अलग किया जाता है सो दैट दे कैन रिसाइकिल। अब यहाँ पे जो ड्राई होते हैं उनको रिसाइकिल किया जाता है, ठीक है ना, और वेट वाले जो होते हैं, जो गीले वाले हैं, उनको कंपोस्ट कर दे। कंपोस्ट का मतलब क्या होता है, इनको ज़मीन में गड्ढा बना के उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, देखिए ड्राई वेस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं और वेट में क्या क्या आती हैं। देखो ड्राई में आपके पेपर में जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पेपर के कप और प्लेट जो आते हैं, कार्टून बॉक्सेस, पैकेजिंग कवर, कार्डबोर्ड, थर्मोकोल, वुड, ठीक है, फिर है ग्लास। ग्लास में कौन कौन सी चीज़ें आती है, जैसे बॉटल हो गए, ओल्ड ग्लास हो गए, विंडो डोर हो गए, ग्लासेस हो गए, ग्लास जार हो गया। फिर यहाँ पे प्लास्टिक, प्लास्टिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं, प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक ट्रेस, बॉक्सेस, मगेस, टिफिन्स, प्लास्टिक बैग्स हो गए, प्लास्टिक सैचेस हो गए, प्लास्टिक रैपर्स हो गए, प्लास्टिक फिल्म हो गई, रबर ट्यूब्स हो गए, टायर्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी किस में हैं, ये सारी चीज़ें आपकी किस में हैं दोस्तों,
ये सब आपके ड्राई वाले में है। देखिए इतना जितना भी लिखा हुआ है ये सब ड्राई में। मेटल में क्या हुआ, सॉलिड कैन, फ्रूट कैंस, ओल्ड बॉडी ऑटोमोबाइल्स, ओल्ड मेटल फ्रेम्स, रस्ट नेल एंड स्क्रू हो, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, मेटल हो गई। फिर वेस्ट में क्या क्या आते हैं, जैसे कुक्ड फूड यानी कि जो खाना हमने बनाया, अनकुक्ड फूड, वेजिटेबल पील्स, फ्लावर वेस्ट, फॉलन लीव्स, ठीक है ना। उसके बाद है ट्रिम्ड ब्रांचेस, एनिमल वेस्ट, ठीक है। उसके बाद है टी लीव्स, फिर है रोटेन फूड जो खाना सड़ रहा है, एडिबल लिक्विड्स, ठीक है। ये सारे क्या हैं आपके वेट में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे आते हैं टॉक्सिक वेस्ट पे। तो टॉक्सिक वेस्ट पे क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखिए टॉक्सिक का मतलब जो जहरीले होते हैं, जैसे ओल्ड मेडिसिन, मेडिसिन वाली जो चीज़ें हो गई, पेंट्स हो गए, केमिकल्स हो गए, बल्ब्स हो गए, स्प्रेज हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, बैटरीज हो गई, शूज पॉलिश हो गया, ये सब कैसे हैं, टॉक्सिक वेस्ट्स हैं। दे शुड नॉट बी मिक्स विथ अबव मटेरियल्स, और इन्हें अबव मटेरियल के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आते हैं कलर कोडिंग्स। तो कलर कोडिंग में क्या होता है, द फ्लावर ऑफ कोडिंग थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ, देखिए तीन तरीके के वेस्ट होते हैं, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट और टॉक्सिक वेस्ट। तो ड्राई वेस्ट क्या होते हैं, ठीक है ना, सेग्रीगेशन का मतलब अलग, व्हेन ड्राई वेस्ट आर कलेक्टेड, मान लीजिए जब सूखे वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है, दे आर सेंट टू रिसाइकलिंग यूनिट, और इन्हें कहाँ भेजा जाएगा, रिसाइकलिंग यूनिट में, वेयर ऑल द वेस्ट फ्रॉम ईच टाइप आर कंबाइंड, क्रस्ट, मेल्टेड एंड प्रोसेस्ड इनटू न्यू मटेरियल। देखिए होता क्या है कि ऐसी चीज़ें जो जिनको रिसाइकिल किया जाता है उन्हें क्रश किया जाता है, उसके बाद फिर से उस चीज़ों को रिसाइकिल यानी कि फिर से वो चीज़ बना दी जाती है। फिर है यहाँ पे वेट वेस्ट। अब वेट वेस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, वेट वेस्ट को हम ज़्यादातर कंपोस्टिंग करते हैं, ज़मीन में इसको दबा देते हैं, ठीक है। दिस मीन द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कैन बी डीकम्पोज बाय बैक्टीरिया, और क्या होते हैं अगर इसमें बायोडिग्रेडेबल वाली चीज़ें हैं तो कुछ टाइम के बाद वो किस में चेंज हो जाते हैं, कुछ खाद में चेंज हो जाती हैं, ठीक है। अब ये इनको चेंज कौन करता है, जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गए, वॉर्म्स हो गए, ऑर्गेनिजम्स हो गए, ठीक है ना, ये सब क्या करते हैं, इन्हें चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए यू कैन मेक द कंपोस्ट पिट इन योर गार्डन, कि आपने कभी भी कंपोस्ट पिट बनाया है, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पे हमने इतना पढ़ लिया, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।